छोले वाले, छोले छोले छोले, आड़ू का गुच्छा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ही था कि ट्रैवल बहुत लंबा होने वाला है, तो अभी हमने मंगा लिया चाय और हमारे दो छोटे छोटे टकीला चाय के कप आ गए। हवा ने हमारा दरवाज़ा, आज हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है और वेदर थोड़ा ओके ओके है, इतनी ज़्यादा अभी गर्मी नहीं है। वैसे अभी तो मॉर्निंग ही है तो थोड़ा ठंडा ही है। और ये है मनाली का रास्ता, हम जा रहे हैं लेह लद्दाख और आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। रखा तो सब कुछ पहाड़ों में ही है, आदो का बोलना है क्या रखा है पहाड़ों में, हमारे लिए तो पहाड़ों में ही सब कुछ रखा है। और हम काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं, काफ़ी अच्छे पहाड़ चल रहे हैं और हम अभी पहुँचे हैं सनावरा टोल प्लाज़ा और यहाँ पे थोड़ी छाया है तो अभी 2 मिनट के लिए रुके थे। काफ़ी लंबे टाइम से हम कंटिन्यू चल रहे हैं, पहाड़ी पहाड़ और गहराई इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा गहराई, वो बस मेरी आंखें देख पा रही हैं, कैमरा तो कुछ देख ही नहीं रहा, ये तो इक्वल सा दिखा रहा है और नीचे तक काफ़ी गहरा है। अभी हम गाड़ी नहीं रोक सकते क्योंकि हमें अभी बहुत आगे जाना है। यहाँ पर पेड़ से मैंने एक फ्रूट तोड़ा है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि मैंने ये कौन सा फ्रूट तोड़ा है। आज खाने में करेला, मीठे पराठे और अजवाइन पराठा। मेरा भी खाना हो गया, अब एक पराठा बच गया है अभी भी, और मीठे पराठे तो मैंने बहुत सारे बना दिए। और खाना तो अब मैं आज के लिए ही एक टाइम के लिए लेके आई थी, वैसे हमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी कर लिया था पराठे से और हमारा दोपहर का लंच भी हो गया। और जहाँ हम खाना खा रहे हैं वहाँ के नज़ारे कुछ अलग ही। सही कह रहे हो, लोकेशन भी अच्छी है और इस तरफ सारा खाली पड़ा हुआ है, सारा खाली है। हमने सिर्फ पेड़ के नीचे एक गाड़ी लगाई और यहाँ पता चलता है पेड़ की अहमियत का। वैसे अगर एक छोटे से पेड़ ने हमारी गाड़ी खड़ी करी, हमारा हमने आराम से खाना खाया और बहुत ठंडी हवा यहाँ पे चल रही है, तो इतना फ़र्क होता है भाई। तभी कहते हैं पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ भैया, जैसे बेटी पालते हैं ना वैसे ही पेड़ भी पालना चाहिए इंसान को। सोने वेरी होना चाहिए। और हम अभी एक छोटे से रेस्टोरेंट पे रुके हैं जिसका नाम है हिमालयन, और हिमालय वाला ही लुक है थोड़ा,
ग्रीनरी, यहाँ पे फ्रूट का पेड़ है जो मेरी निगाह में खटक रहा है आड़ू, और इस पर छोटे छोटे आड़ू आ रहे। एक बार मैं नीचे होकर आती हूँ, चलना है आपको भी नीचे? मैं तो स्टेयर्स दिख गई मुझे, और नीचे ग्रीन ग्रीन सारा। हाँ, अभी मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ क्या है। यहाँ से ये रास्ता बना हुआ है, और यहाँ पे बेल भी बनाई हुई है तो थोड़ा डिफिकल्ट। और ये स्टेयर्स, यहाँ पे सब्जियाँ उगाते हैं शायद, वैसे मैंने पूछा नहीं। यहाँ पे बहुत सारी बेल लगाई हुई है, और आड़ू का पेड़ भी नीचे ही वेट कर रहा है। एक तो मैं ले ही लूँगी। और कितना, यहाँ पे तो पूरा बाग सा है, सारी साग सब्जी यहाँ पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। सारी सब्जियां बो रखी हैं उधर तक, सारा ही इनका ही हिस्सा है, इसलिए हिमालयन है ये रेस्टोरेंट। और मैं पास से दिखाती हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे भी सब्जियां हैं। ये रहे आड़ू का गुच्छा, और ये किसी चीज़ की बेल है। ये लग तो करेला रहा है, लेकिन वो शायद पहाड़ी करेला है, शायद उसी की बेल है। और यहाँ पे तो खुद भी टूट के पड़े हुए हैं आड़ू, और इससे नीचे भी कुछ तो स्टेयर्स ही बनी हुई है क्या। हो, इससे नीचे भी है यार, ये तो खूबिया रास्ता जैसा है। चलो बस, हमारा तो यहीं तक ही था, अब चलती हूँ ऊपर इसी स्टेयर से ऊपर। और यहीं पे हमने दिए हैं एक चाय, और एक हमने वैसे दो चाय बोली थी, फिर इनके पास लिखा हुआ था ग्रीन कॉफ़ी, तो फर्स्ट टाइम सुना था नाम, तो वही मैं तो ट्राई करने वाली हूँ, वही हूँ इनकी फेवरेट चाय, तो ये चाय पियेंगे। और जिस स्टेयर्स से उतरी थी उसी से चढ़ के ऊपर जा रही हूँ, अब मेरा काम तो हो गया। चाय, टी एंड ग्रीन कॉफी विद पीच, और मैं भी और हस्बैंड भी। इसमें तो चुलाई के खुशबू से सारा खो दिया, चुलाई से गया। अरे फर्स्ट टाइम जो चीज पीते हैं वो थोड़ी अलग सी तो लगती है। व्यू इसको कहते हैं, व्यू, साइड में पानी, नदी, नहीं कोई नहीं। यहाँ पे नदी और इधर घने काले। सुनी, सुंदर नगर आने वाला है अभी। हाँ, सुंदर नगर आने वाला है, क्योंकि मैं इस तरफ का आया हुआ, मुझे पता है नदी। अच्छा, आपने फ्रेंड के साथ आए थे? जब नितिन के साथ में आया था तो मुझे कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। जब से यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज लग रहा है, बहुत सारा डेवलपमेंट है, बहुत डेवलपमेंट। उधर से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे इधर से इधर कितना सुंदर है। सही में सुंदर नगर सुंदर ही है हर चीज़ के हिसाब से। पानी कितना साफ ही दिखाई दे रहा, और वहाँ पे बीच में पत्थर है, वहाँ पे अगर जाने का रास्ता होगा पता नहीं कहाँ होगा। ये मनाली का एकमात्र पुल आएगा अभी इस तरफ, जो दोनों नदियों को काट के बना हुआ है, देख सकते हैं। फिलहाल इस तरफ जो है एक चीज जब है यार, सीएनजी गाड़ी वैसे कामयाब है नहीं ऐसी जगहों पे, पेट्रोल ही चल सकती है। चलो, मैं काफी देर से बोर हो गई हूँ, क्योंकि कुछ चीज आ नहीं रही है ऐसी
जो जिसे देख के मैं कूदती हुई जाऊँ। और बात यह है कि थोड़ा थक भी गए हैं, तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी देर कचर पचारी कर लेती हूँ। और अभी मंडी की रोड पर है, सुंदर नगर चल रहा है। सारी चीज़ें बाद में इसका जो सेकंड वीडियो बनेगा उसमें आएगी कि इसमें हमने अपना सोने का खाने का सब कुछ इंतजाम कर रखा है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। मोटर होम बनाएंगे अपनी गाड़ी को और बेसिकली अपना होम स्टे करेंगे इसको, और हम कैंपिंग करेंगे एक और फैमिली के साथ में जो हमारा वेट कर दिया खुद। नज़ारा तो इसको कहते हैं, एकदम रोड से निकले और ये यार एक बात तो है, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं ना वो कैमरा कभी कैप्चर नहीं करता। कितना ये तो डैम है वो, अब उसके घर के बराबर वाला। अच्छा अच्छा जो आपका फ्रेंड है। और यहाँ चल रहा है फॉग लाइट की जो चेकिंग चल रही है वो चल रही है, और पता नहीं कितना टाइम लगना है। प्रॉब्लम तो छोटी सी थी, अब पता नहीं क्या बता रहे हैं क्या नहीं। अब दूसरा मैकेनिक भी आया है, पहले एक ही लगा हुआ था, और अब पक्का लग रहा है 10 तो हमें बज ही जाएंगे। देखते हैं अब रुकना कहाँ है, टारगेट कहीं और का था और पता नहीं रुकेंगे कहाँ, क्योंकि पूरा दिन तो ट्रैवल करते करते हो गया, थक तो गए हैं बहुत ज़्यादा दोनों ही। लाइट बेसिकली अर्थिंग का इशू हो गया, जिसकी वजह से ना इसकी लाइट जो है वो बहुत एक तरफ की, तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको, इस तरफ की तो सही जल्दी है, इस तरफ की जो है वो बहुत ज़्यादा धीरे जल्दी है, अब रात को दिखाई नहीं देता यार। तो पता चला इसका अर्थिंग का कुछ इशू है, तो भैया फिर अर्थिंग की जो फिटिंग है वो कर रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा तो टाइम नहीं लगा, क्योंकि अभी मेरी अरुण भाई से भी बात हुई थी, वो भी जो है पहुँच चुके हैं मंडी, मतलब मनाली क्रॉस कर लिए, घूम भी लिए हैं, तो वो जाएंगे सीधा के सीधा अटल टनल क्रॉस करके मिलेंगे। तो यानी कि मुझे अटल टनल तो अभी क्रॉस करनी ही करनी है, ये काम खत्म हो जाए फिर निकलते हैं। और अभी हैं हम मंडी में, तो मंडी से अब जाएगा मनाली का रास्ता ऊपर, तो उससे जस्ट पहले ही हम यहाँ रुक गए हैं, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया। हमने दोपहर में 12:30-1 बजे के आसपास खाना खाया था, उसके बाद बस टी एंड कॉफ़ी पी थी, और जब से हमने कुछ नहीं खाया है। बीच में जहाँ पर ज़्यादा जाम था पीछे, तो वहाँ पर हमने थोड़ा सा मीठा पराठा खाया था, बट ऐसे ही थोड़ा बहुत ही खाया था। तो अभी हमने छोले बनवाए हैं 2 बाउल, और कुलचे नहीं खाने हैं हमें, और उन्हीं से अपना थोड़ा सा पेट भर जाएगा। तो रात का खाना अभी आगे खाएंगे, और अभी टाइम हुआ है 7:00, और हमारा जो अभी टाइमिंग बता रहा है वो बता रहा है 11:00 तक, और छोले आ गए हैं। छोले, और इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा सभी अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ।